सीटेट के लिए मैथ्स नेक्स्ट वीडियो है प्राइमरी लेवल का 64 नंबर। एक फिगर दिया है ए बी ए बी ओ सी ई एंड डी। ए बी ओ सी एंड ई डी आर पैरेलल, तीन लाइन पैरेलल है। कौन कौन पैरेलल है? ए बी पैरेलल टू ओ सी और पैरेलल टू ई डी। पी क्यू आर फाइंड करना है। ये लाइन जहाँ एरो बन रहा है ये एंड ये पैरेलल है। पैरेलल लाइन में जो एंगल्स हुआ करते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे पैरेलल लाइन की। अब देखिएगा कौन कौन हम प्रॉपर्टीज फॉलो कर सकते हैं। ये 110 दे रखा है, ये 135 दे रखा है, ये आर दिया है। पी क्यू आर फाइंड करना है। यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं, जो यहाँ पे हम ये एक फॉर्म बना सकते हैं पी प्लस आर प्लस 110 इक्वल टू 360। किसी पॉइंट पे जितने भी एंगल होते हैं उन सब का जो सम है वो हुआ करता है 360। एक बन जाएगा पी प्लस आर प्लस 110 इक्वल टू 360, यानी कि पी प्लस आर इक्वल टू 360 माइनस 110 05 250 पी प्लस आर। क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे, जरूरत पड़ने पे काम आएगी। पी प्लस आर इक्वल टू 250। यहाँ पे जो एंगल्स का इनका सम होगा वो भी 180 होना चाहिए। इस लाइन को अगर यहाँ बढ़ा दिया जाए, आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, तो ये एंगल हो जाना चाहिए हमारा कितना 135 है। टोटल 180 होता है। 150 में से वो 180 में से 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में 5 गए 7, में से 3 गए 45, ये 45 हो जाएगा। अच्छा, ये 110 यहाँ में रिलेशन आ गया और कुछ नहीं हो पाया। ये प्लस ये 180 हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। किसी लाइन पर जो एंगल्स हैं दो पैरेलल लाइन ये और ये हैं, ये प्लस ये दो एंगल, जैसे ये प्लस ये 180 होगा कि नहीं होगा? ये प्लस ये 180 होगा। यानी कि पी प्लस 45 इक्वल टू 180, पी इक्वल टू होगा 135। यहाँ पे ये 135 आ रहा है। हाँ, यहाँ से इसके हैं तो 135 आता ही। वैसे भी ये लाइन ऐसे इस तरह से बना हुआ है, ये ए वी था, ये ओ था, ये सी था, इतना एंगल ये, इतना एंगल ये होगा, ये पी वाला था 135। पी 135 हो गया तो अब आसानी से निकाला जा सकता है। पी प्लस आर इक्वल टू 250 है। पी प्लस आर इक्वल टू 250 क्वेश्चन फर्स्ट माने थे। पी 135 में आर निकाल लिया जाएगा। आर इक्वल टू 250 माइनस 135 सब्ट्रैक्ट कर दें, 10 में 5 5, 9 5 4, यहाँ बचिएगा 4 4 में से 3 1, और 2 में से गया 115। आर इक्वल टू 115 आ गया है, 115 आ गया है। अब क्यू निकालेंगे, क्यू प्लस आर 180 हो गया है, क्यू प्लस आर इक्वल टू 180। तो आर सॉरी क्यू प्लस आर आर 115 है इक्वल टू 180, तो क्यू इक्वल टू 180 माइनस 115। घटा देंगे इसको, कितना होने का, 10 में 5 5 7 7 में 65 आ जाएगा क्यू, क्यू इक्वल टू 65। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है। ये ए बी, ये ओ मान लेंगे, ये लाइन है, एक लाइन ये है सी, जहाँ एरो बना हुआ है ओ ई मान लेंगे, यानी कि ए बी पैरेलल टू ओ ई एंड ये पैरेलल टू सी डी। की तीनों लाइन ये वाली तीनों पैरेलल हैं। तीन लाइन आपस में पैरेलल बनेंगे। ये 140 इंच बना हुआ है, ये 70 है और ये एक्स है। फाइंड द वैल्यू, एंगल ए निकालना, एंगल सी, यानी ये फाइंड करना। पहले एक्स फाइंड करो, देखिएगा ओ पॉइंट पर तीनों एंगल का जो सम है वो हो जाएगा 360 एट पॉइंट ओ, ओ बिंदु पर एट पॉइंट ओ, ओ पर 70 + 140 + x = 360। हाँ, 210 + x = 360 x = 360 - 210 घटा लेंगे, 550 आ जाएगा।
1.50 आ गया। ये लाइन की लाइन पैरेलल है, देखिएगा ये लाइन इस तरह है, ये पैरेलल है, ये सी डी है, ये ई है, ये ओ है, तो ये प्लस ये भी 180 हो जाएगा। ए प्लस ये 180, ये 150 है तो ये 30 आ जाएगा, यानी पी एंगल आ गया 30। देन एंगल सी इक्वल टू आ गया 30, एंगल सी इक्वल टू 30 आ चुका है। एंगल ए फाइंड करना है। अब ये लाइन की लाइन पैरेलल है, ये 70 है, यहाँ पे भी वही कंडीशन फॉलो होगी, कितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, 140 है तो ये 140 हो जाएगा, ये होगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैरेललोग्राम सा बना हुआ है, ये लाइन है, एक लाइन ये लाइन है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये एंगल सी और ये 75 अंश, ए बी सी डी साइड है इसकी, ए ये बी ये सी ये डी, ठीक है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, तो हमको फाइंड द फिगर, इसकी एंगल फाइंड करना है। ये 75 है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये 75 है तो ये 180 में है, 75 फाइव सब्टेक्ट करके निकालने के कितना आएगा, 10 में 5 में 5 और 7 में 105, ये 105 हो जाएगा, ये प्लस ये 180 होगा, यानी कि ये भी 75 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस ये 180 होगा तो ये 75 हो जाएगा, ये प्लस ये 180 यानी 105 हो जाएगा, ऐसे इनके निकल गए। इंटरनल एंगल साइड बना